देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज 15 जुलाई 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक गुजरात में आज 41 नए मामले, कोई भी मौत नहीं, 71 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 689 है। नंबर दो पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 831 नए मामले आए हैं, 1161 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 13847 है। नंबर तीन पंजाब में पिछले 24 घंटे में 108 नए कोविड-19 मामले, 141 रिकवरी और 8 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 1386 हैं। नंबर चार हरियाणा में आज 36 नए कोरोना मामले आए हैं, 59 रिकवरी और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 872 है। नंबर पाँच तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 749 नए कोरोना मामले, 605 रिकवरी और 5 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 10203 है। नंबर छह असम में आज कोरोना वायरस के 2046 नए कोरोना मामले आए हैं, 2655 लोग चार्ज हुए हैं और 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 19653 है। नंबर सात कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1990 नए कोरोना मामले, 2537 डिस्चार्ज और 45 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 33642 हैं। नंबर आठ उत्तराखंड में आज 33 नए कोरोना मामले, 140 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 711 है। नंबर नौ तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 2458 नए कोरोना मामले, 3021 रिकवरी, 55 मौतें और सक्रिय मामलों की संख्या 30600 है। नंबर 10 पांडिचेरी में आज 121 नए मामले, 1 मौत, 177 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 1327 है। नंबर 11 गोवा में पिछले 24 घंटे में 227 नए कोरोना मामले और 171 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, सक्रिय मामले 1788 है। नंबर 12 आंध्र प्रदेश में आज 2591 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 15 मौतें हुई हैं, 3329 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 25957 है। नंबर 13 राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 90 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 558 रह गए हैं। नंबर 14 केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15637 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 12974 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 128 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 117719 है। नंबर 15 मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं और 19 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 271 है। नंबर 16 झारखंड में कोरोना वायरस के 68 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 344 हैं। नंबर 17 हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 93 नए कोरोना मामले, 100 रिकवरी, 3 मौतें और सक्रिय मामले 1191 हैं। नंबर 18 मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1104 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 583 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 17 लोगों की मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 8210 हैं। नंबर 19 बिहार में पिछले 24 घंटे में 113 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 108 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 785 हैं। नंबर 20 उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2074 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 2605 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 65 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 20255 हैं। नंबर 21 त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 558 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 418 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 4384 हैं। नंबर 22 महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8602 नए कोरोना मामले, 6067 रिकवरी और 170 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 106764 हैं। नंबर 23 उत्तर प्रदेश में आज 90 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 134 डिस्चार्ज और 5 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 1428 हैं। नंबर 24 राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 77 नए कोरोना के मामले, 71 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामले 688 रह गए हैं। नंबर 25 अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 465 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 286 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मृत्यु दर्ज की गई है और सक्रिय मामले 4181 हैं। नंबर 26 छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 252 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 105 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 4028 हैं। नंबर 27 जम्मू कश्मीर में आज 161 नए कोरोना मामले, 358 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2236 है। नंबर 28 मेघालय में कोरोना संक्रमण के 422 नए मामले सामने आए, इस दौरान 458 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 3925 हैं। नंबर 29 मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 468 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान
59 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 5002 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी अन्य राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।